तो वेलकम गाइस टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में बताने वालों कि साउंड बार और होम थिएटर में से आपको क्या लेना चाहिए, आपके घर के लिए क्या चीज सही है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत सीरियस मुद्दा है। क्योंकि लोग कभी कभी एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें साउंड बार लेना चाहिए या फिर होम थिएटर लेना चाहिए। तो इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, एंड तक देखना इस वीडियो को। हाँ, तो सीरियस हो जाते हैं थोड़ा, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा होम थिएटर की। तो जब आप होम थिएटर लगाते हैं, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड रूम होना ज़रूरी है। कि मान लो अगर आपके पास कोई भी ऐसी रूम है और उसमें आप होम थिएटर लगा दोगे, तो फिर वो सराउंड सिस्टम उस लेवल की नहीं आएगी जिस लेवल की आनी चाहिए। तो होम थिएटर आप तभी लें जब आपके पास डेडिकेटेड रूम हो और उसको आप वहाँ पर परमानेंटली लगा रहे हो। क्योंकि जो होम थिएटर होते हैं वो बहुत सारे वेरियंट्स में आते हैं। मान लो आपने 5.1 होम थिएटर लिया है, तो जो 5.1 होम थिएटर में 5 स्पीकर्स होते हैं, 2 फ्रंट स्पीकर्स, 1 सेंटर एंड 2 बैक, और 1 होता है वूफर। तो 5.1 में तो इतना होता है। और फिर अगर आप 7.1 ले रहे हो, तो उसमें 2 स्पीकर और ऐड हो जाते हैं। और अगर आप डॉल्बी एटमस वाले ले रहे हो, तो उसमें ओवरहेड स्पीकर आ जाते हैं, तो आपके सीलिंग में भी वायर्स जाते हैं। तो अगर आप होम थिएटर लोगे, तो ये सोच के लेना कि जो वायर्स हैं वो पहली दीवार में माउंट करवा सकते हो इजीली, और वो वायर ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत शैबी लगते हैं वायर। एडवांटेज तो ये है होम थिएटर में कि बहुत ही अच्छा सराउंड आता है, फार मोर बेटर सराउंड आता है साउंड बार के कंपैरिजन में। अगर आप साउंड बार के बेस से कंपेयर करोगे, तो होम थिएटर का बेस बहुत अच्छा होता है। अब आते हैं साउंड बार पे। साउंड बार क्या करता है कि साउंड बार एक पोर्टेबल चीज़ हो गई। अगर आपको जैसे मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि आपको टीवी यहाँ नहीं चाहिए, आपको टीवी दूसरे रूम में चाहिए, तो आप साउंड बार इजीली वो शिफ्ट कर सकते हैं। बट आप ऐसा होम थिएटर के साथ नहीं कर सकते। तो ये एक मान लो आप साउंड बार का जो है एडवांटेज है। बट इस डिसएडवांटेज ये है कि इसमें उस लेवल का सराउंड साउंड नहीं आ पाता है जो आपके होम थिएटर में आता है। आजकल जैसे बहुत महंगे महंगे साउंड बार आ रहे हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव साउंड बार्स आ रहे हैं। सपोज आप मान लो JBL का साउंड बार है, सोनी के साउंड बार्स हैं, उसमें तब भी अगर आप कोशिश भी करोगे ना, तो सराउंड साउंड उतनी आएगी नहीं। सराउंड साउंड जो बेटर आती है वो होम थिएटर में ही आती है। चाहे होम थिएटर आप कितना भी सस्ता ले लो, लेकिन होम थिएटर में बहुत अच्छी सराउंड आती है। बिकॉज जो होम थिएटर्स रहते हैं उसमें स्पेसिफिकली हर स्पीकर अलग अलग रहता है। यही एक कारण है जिसकी वजह से होम थिएटर में सराउंड अच्छी होती है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको होम थिएटर अगर आपको लेना है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो रहता है वो रहता है सोनी का। सोनी के जितने भी होम थिएटर सब अच्छे हैं, और सोनी का आप ले सकते हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा बजट है, तो आप JBL या फिर यमहा का लेंगे तो और अच्छी बात है। क्योंकि यमहा में एक आपको डेडिकेटेड बहुत बढ़िया सा AVR सिस्टम मिल जाता है। और अगर आपके पास बजट कम है, तो आप या तो फिलिप्स का लें या फिर ज़ेब्रोनिक्स। ये दो कंपनीज मैंने आपको सजेस्ट करी, तो ये बहुत अच्छी कंपनीज है, इसके आप ले सकते हैं। मैं पर्सनली ज़ेब्रोनिक्स का यूज़ करता हूँ, तो ज़ेब्रोनिक्स आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके, अगर आपको साउंड बार लेना है, तो आप कौन सी कंपनी का लेंगे। तो साउंड बार आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप बोट का लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि बोट के साउंड बार कम बजट में बहुत अच्छा साउंड बार आ जाता है बोट में। और अगर आपके पास बजट ज़्यादा हो, तो आप सोनी के लेंगे या फिर JBL के। ऑब्वियसली आप सोनी या JBL के लेंगे, क्योंकि पैसा बहुत है। और अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, अगर अंधा पैसा है, तो आप बोस के ले सकते हैं। और होम थिएटर के लिए भी अगर आपके पास अंधा पैसा है, तो आप बोस के ले सकते हैं। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये वीडियो को, और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस देना कि आपको इस वीडियो में क्या और चाहिए, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए। तो चलता हूँ, टाटा एंड बाय।